नमस्कार, सुरीली विरासत की इस पेशकश RRR में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। RRR का मतलब है रोशन्स, यानी रोशन साहब और राजेश रोशन, और दूसरे आर का मतलब है RD बर्मन, और तीसरे आर का मतलब है रविंद्र जैन। बहुत अलग अलग तरह के संगीतकार, जहां एक तरफ रविंद्र जैन जो हैं उनमें है लोक गीतों की, लोक संस्कृति की एक धारा। रोशन जो हैं वो अपने साथ अपनी शास्त्रीयता लेकर आते हैं और अपनी कव्वाली का और गजलों का मिजाज लेकर आते हैं। और पंचम और राजेश रोशन में एक मॉडर्निज्म है, यानी आज की ये जो शाम है ये आपके जहन में बहुत दूर तक और बहुत देर तक गूंजने वाली है, क्योंकि न केवल हम RRR के गाने सुनेंगे बल्कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं गानों से जुड़ी कुछ अनमोल कहानियां जो आपको गुदगुदाएंगी और आपको इन्फॉर्मेशन से और गानों को के जो बनने की, उनकी जो क्रिएशन की प्रोसेस है उससे आपको थोड़ी हैरत में भी डालेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आवाज दे रहा हूं आनंद विनोद को प्रोग्राम का पहला गाना पेश करने के लिए, और इस गाने को सुनकर आपका भी मन मचलने वाला है। आनंद विनोद, आइए।
पहला गीत वो भूले कहां, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कुछ गाने को कोई रोको ना। क्या शुरुआत है आनंद। सुरीली विरासत के इस शो में बारिश की इस शाम आप सभी को इस तरह से बड़ी तादाद में देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि आप सभी अपने लिए तालियां बजाने के हकदार हैं। जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा आप मौजूद हैं, इसी को कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। और म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ये बात हमेशा चलती है कि शो मस्ट गो ऑन, यानी चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसे भी हालात हों, कभी भी काम रुकता नहीं है। कुछ इसी तरह का किस्सा हुआ था रविंद्र जैन के साथ। रविंद्र जैन फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी ये तमन्ना थी कि कभी ना कभी लता मंगेशकर उनके लिए गाना गाएं, और ये वो दौर था जब लता बहुत ज़्यादा बिजी थीं। कई बार रविंद्र जैन ने कोशिश की, लेकिन लता जी और रविंद्र जैन की तारीखों का मेल नहीं हो पा रहा था। फिर एक फिल्म बन रही थी जिसके लिए रविंद्र जैन ने तय किया कि लता जी से ही गाना गवाना है, चाहे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। और फिर ये हुआ कि आखिरकार लता जी की डेट मिल गई। राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म बांग्ला के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं नरेंद्रनाथ मित्र, उनकी कहानी रस पर आधारित थी। लता जी की डेट मिल गई, रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई, म्यूजिशियंस तय हो गए, स्टूडियो तय हो गया। रविंद्र जैन जब स्टूडियो में पहुंचने वाले थे उस वक्त एक टेलीग्राम आया, और उस टेलीग्राम में लिखा था पिताजी नहीं रहे। रविंद्र जैन के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सामने लता जी की रिकॉर्डिंग थी। रविंद्र जैन ने यह तय किया कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा हादसा हो गया है। उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की और उसके बाद जाकर यह खबर दी कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, और इसके बाद वो अलीगढ़ के लिए रवाना हुए थे। ये जिस फिल्म के गाने की बात हो रही है वो गाना हम नहीं पेश कर रहे, लेकिन अब मैं प्राजक्ता को बुला रहा हूं इसी फिल्म का एक बेमिसाल गाना पेश करने के लिए। प्राजक्ता आओ।
बहुत ही शानदार पेशकश। और मैंने जिस गाने का जिक्र किया था, रविंद्र जैन की निजी जिंदगी में जो हादसा हुआ, और लता जी का जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था वो था तेरा मेरा साथ रहे। फिल्म में ये गाना आशा भोसले ने गाया था। एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि येसुदास को फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी गानों के लिए रविंद्र जैन सबसे पहले लेकर आए थे। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं कि 1971 में साउथ के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था ए राज। उन्होंने जय जवान जय किसान फिल्म का एक गुमनाम सा गाना येसुदास से गवाया था और उसके बोल थे दिलरुबा क्या हुआ। आज इस गाने को अमूमन लोग याद नहीं रखते, लेकिन सलील चौधरी ने 1965 में एक मलयालम फिल्म में संगीत दिया जिसका नाम था चेम्मीन, और उसमें येसुदास से उन्होंने गाने गवाए थे। आगे चलकर आनंद महल फिल्म में येसुदास को सलील चौधरी ने हिंदी में गाने का मौका दिया। और योगेश ने वो गाना लिखा था। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब तक ये फिल्म आती तब तक छोटी सी बात आ गई 1975 में, और जाने मन गाना बहुत हिट हो गया। और इस तरह से येसुदास साउथ से हिंदी गानों की दुनिया में आ गए। और मुझे ये दौर याद है कि जब कैसेट्स का ज़माना होता था तो हिट्स ऑफ येसुदास कैसेट बाज़ार में मिलती नहीं थी, क्योंकि उसको लोग पहले से ही खरीद लिया करते थे और लूप पर अपने घरों में चलाया करते थे। 1976 में रविंद्र जैन ने येसुदास को उनकी जिंदगी का बेमिसाल गाना दिया, और इसे पेश करने के लिए नानू गुर्जर आइए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। बार यहाँ जो जाएगा फिरे
झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। राजेश रोशन और रविंद्र जैन से होते हुए अब हम अपने अगले आर यानी रोशन साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। रोशन वो संगीतकार हैं जिन्हें कव्वालियों का उस्ताद माना जाता है और उनकी सबसे मशहूर कव्वाली है बरसात की रात फिल्म की कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है यानी ये इश्क इश्क है। इसकी रिकॉर्डिंग के तो बहुत सारे किस्से हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग में 24 घंटे लग गए थे और इसे 3 हिस्सों में रिकॉर्ड करके आपस में जोड़ दिया गया था और 10 मिनट की इस कव्वाली को लेकर रोशन के जहन में भी कंफ्यूजन था कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे जो कि उस वक्त एक छोटे बच्चे थे राजेश, उनको बुलाया और कहा कि कैसी लग रही है तुम्हें यह कव्वाली। भविष्य के संगीतकार थे राजेश रोशन, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जब रोशन घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि 10 से 12 मिनट लंबी कव्वाली उन्होंने रिकॉर्ड की है, तो उनकी वाइफ इरा रोशन जो कि अपने जमाने की सिंगर भी रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, आजकल लोग 3 मिनट का गाना नहीं सुनते हैं, तुम्हारी 10 से 12 मिनट की कव्वाली कौन सुनेगा। रोशन का जवाब था तुम बस देखती जाओ, वेट एंड वॉच। और जरा सोचिए कि बरसात की रात फिल्म की वो कव्वाली एक लेजेंड कव्वाली बन गई और लोगों के जहन में इस तरह से वो बस गई है कि पूछिए मत, उसे साहिर साहब ने लिखा था। इसके बाद रोशन ने बहुत सारी कव्वालियां बनाई और वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर बन गए जिन्होंने कव्वालियों की बरसात कर दी थी। रोशन साहब ने अपनी पहली कव्वाली जो बनाई थी वो एक ऑल वुमेन कव्वाली थी और लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम ने इस कव्वाली को गाया था। बहरहाल अब जो है दर्शना गांधी आ रही हैं दिल ही तो है फिल्म का एक कव्वाली नुमा गाना पेश करने के लिए। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
बहुत ही शानदार। अब अगले गाने की बात करने का मेरा भी जी चाहता है, लेकिन इससे पहले दो जरूरी सूचनाएं आपको देने के बारे में मुझे कहा गया है। एक गाड़ी है GJ01WA2468, इसकी लाइट्स कोई भाई साहब ऑन करके छोड़ गए, 2468 गाड़ी है। और एक और गाड़ी है 5459, ये GJ01KR है और ये एक रॉन्ग जगह पर पार्क है। प्लीज ध्यान दीजिए, दोनों ही गाड़ियों के मालिक, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। वैसे भी हम भारतीयों के बारे में ये कहा जाता है कि हम या तो बहुत नियम से चलते हैं या बिल्कुल नियम से नहीं चलते हैं। बहरहाल, नासिर हुसैन साहब लंदन गए, अपनी एक फिल्म बनाने की वो तैयारियां कर रहे थे और वहां एक बड़ा मशहूर स्टोर है टिफिनीज, वहां वो गए। ये डिस्को का दौर था, तो एक डिस्कोथेक में उन्होंने देखा कि यंग जनरेशन एक गाने पर डांस करती है और जब अगला गाना शुरू होता है तो बीच में रुकती नहीं है, नेक्स्ट गाने पे भी डांस करती है और उसके बाद नेक्स्ट पे भी और उसके बाद नेक्स्ट पे भी। उनको लगा यार दो गानों के बीच में जो जगह आ रही है वहां रुक जाना चाहिए और उसके बाद डांस चेंज होना चाहिए। ये लोग म्यूजिक में इतने डूब गए हैं कि गाने बदलते चले जा रहे हैं और ये डांस करते जा रहे हैं। नासिर हुसैन साहब इतने बड़े फिल्म मेकर थे कि आम जिंदगी से वो इंस्पिरेशंस लिया करते थे, उनकी फिल्में बहुत स्पेशल हुआ करती थी, इसीलिए तो आज भी हम उन फिल्मों को बार बार देखना पसंद करते हैं। तो नासिर साहब लौटे और उन्होंने पंचम से कहा कि मेरी अगली फिल्म में एक डांस कॉम्पिटिशन का सीन है और इस सिचुएशन पर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा गाना हो जिसकी तीन चार ट्यून्स हों, यानी गाने की ट्यून बदलती चली जाएं, यानी एक गाने के अंदर चार गाने हों। पंचम ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उन्होंने ऐसा ही किया। पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये सलाह दी कि कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनकी एक ट्यून को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तुम एक गाने में चार ट्यून दोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये इस गाने में इतना सारा केओस क्यों हो रहा है। पर ऐसा नहीं हुआ, 10 मिनट का गाना बना और उस गाने ने कमाल कर दिया, लोगों के दिल जीत लिए और लोग उस फिल्म को जब देखने जाया करते थे, कई बार जब रिपीट देखने जाते थे तो इस तरह से जाते थे कि वो गाना देखकर 10-12 मिनट का वो गाना देखकर लौट आते थे। आप अंदाजा लगाइए कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं, तब तक आलोक उसी फिल्म का एक ऐसा गाना लेकर आ रहे हैं जिसे सुनकर आप थिरक उठेंगे। आइए आलोक, आलोक काटदरे। Thank you.
बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया, ऐ बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा यारों से जो तो है, बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया, ऐ बचना हुस्न का दुश्मन अपनी आता है यारों से चुरा है, बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया। पापा परा पापा पापा परा पापा पापा कौन अहमदाबाद जरा जोरदार ताली हो जाए अहमदाबाद। मैं चाहता हूं जरा पंचम धाम के लिए जरा जोरदार तालियां, और हमारे संदीप भाई के बैंड के लिए भी जरा जोरदार तालियां। बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया, ऐ बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया। ऐ हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ऐ हसीनों रो मैं आ गया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां अहमदाबाद। ऐसी ऑडियंस मिलना यह हम मुंबई वालों का नसीब है कि मैं चाहता हूं हमारे संदीप भाई के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां, संदीप कृष्ण जी के लिए, क्योंकि मुझे याद है मैं 8 साल के बाद इस हॉल में आया हूं और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे संदीप भाई के लिए। तो अहमदाबाद आज के शो में धमाल करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, आप सब लोग साथ में हो ना, तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात। तो भाई हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना था, और अब मैं सुरीली विरासत की एडवाइजर प्रियंका को आवाज दे रहा हूं। प्रियंका जी आइए, वो अपनी बात कहने के लिए मंच पर आ रही हैं। प्रियंका बासु। हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दो शब्दों में मैं एक अपनी बात रखना चाहूंगी कि सुरों का समन्वय और ताल की तरावट है जिस रियासत में, थोड़ी वाहवाह हो जाए महफिल में जान आ जाएगी, कि सुरों का समन्वय और ताल की तरावट है जिस रियासत में कायनात की सारी शुभ शक्तियों और आप सभी का स्वागत है ऐसी सुरीली विरासत में। वेलकम आप सभी का। यहाँ पे कुछ बहुत ही चुनिंदे महानुभाव उपस्थित हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं, मगर कुछ नाम मुझे दिए गए हैं तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी।
जेबर स्कूल के श्री रमेश भाई ए देसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है. श्री राजू भाई देसाई आरजेडी बिल्डिंग बिल्डकॉन के, श्री संजय भाई शाह प्रूडेंट मनी थ्रू विजडम के, आप सभी प्लीज़ ज़ोरदार तालियां से इन सबका स्वागत कीजिए, बिकॉज इन सबका साथ सहकार बहुत ही ज़रूरी है. डॉक्टर रवि परिख आडी बर्मन साहब के डाई हार्ट फैन है, यहाँ उपस्थित हैं. श्री जे एम भट्ट साहब गांधीनगर से हैं. श्री हितेश भाई पटेल जी कलकत्ता से यहाँ पर मौजूद हैं. ज़ोरदार तालियां हो जाए, ऐसी धाक है सुरीली विरासत की. और श्री आनंद भाई मेहता जमाल भाई जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. श्री वत्सल भाई परिख राजश्री वत्सल फाउंडेशन से यहाँ बैठे हैं, जिन्हें हम प्यार से वीपी कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. श्री अशोक दवे और श्री सम्राट दवे जी फरमाइश क्लब से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. डॉक्टर शरद ठाकर जी, ओके आई थिंक ही विल बी कमिंग लिटिल लेट, मगर उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. डॉक्टर सुधीर शाह, आप सब उनसे वाकिफ हैं, नेफ्रोफिजिशियन कंसल्टेंट. डॉक्टर विक्रम शाह राजपथ क्लब के, श्री नीलेश भाई ही इज़ अ ऑर्गेनाइजर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच, आई विल बी देयर आफ्टर अ फ्यू सॉन्ग्स. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी. गानों के बनने की कहानियां जब हमें पता चलती हैं तो उन गानों को सुनने का जो लुत्फ है वो कुछ और बढ़ जाता है. एक फिल्म लिख रहे थे गुलजार साहब और वो फिल्म बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर थी, तो बड़ा संभल कर लिख रहे थे. दिल्ली में रहते हुए वो इस फिल्म की राइटिंग कर रहे थे. उन्हीं दिनों में दुर्गा पूजा का महोत्सव आया और पंचम ने अपना एक एल्बम रिलीज किया. इस एल्बम में एक गाना था जेते जेते पोथे होलो देरी. गौरी प्रसन्न मजूमदार ने इसे लिखा था, जो बांग्ला के एक बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं. गुलजार साहब ने जब ये गाना सुना तो पंचम से कहा कि यार ये ट्यून तुम मुझे दे दो. अब गुलजार और पंचम की दोस्ती के कुछ किस्से आगे भी मैं आपको सुनवाऊंगा. ये दोस्ती और दोस्ती में जो चूहल और लड़ाई, इसके किस्से हैं. तो पंचम ने कहा कि ठीक है ले लो, तुम इस धुन पर जो मर्जी वो लिख दो. और जो कुछ लिखा उन्होंने उसे पेश करने के लिए प्राजक्ता और आलोक आ रहे हैं. और इस बार आलोक पीछे से नहीं आ रहे, यहीं से आ रहे हैं. माइक मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है. ये जो गाना है, जाहिर है कि हम यहां इस गाने के बीच के डायलॉग पेश नहीं कर पाएंगे, मुझे पता था. और मुझे ये भी पता था कि संदीप भाई कहेंगे सर थोड़ा बोलिए, और बोलने का तो मेरा काम ही है, आप जानते ही हैं. तो इस गाने के बीच में संजीव कुमार कहते हैं, ये जो फूलों की बेलें नजर आ रही हैं, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हुई हैं, इन्हें दिन में देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती हैं. ये जो चांद है इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता. तो सुचित्रा सेन कहती हैं, ये तो रोज निकलता होगा ना. हाँ, मगर बीच में अमावस आ जाती है. वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी, 9 बरस लंबी थी ना. जब भी हम ये गाना सुनते हैं, ये डायलॉग्स के बिना ये गाना हमारा पूरा नहीं होता. और जरा सोचिए कि उस जमाने में पंचम ने गाने के बीच में डायलॉग रखे थे, और ये गुलजार के कहने पर रखे थे, और इस बात पर भी झगड़ा हो गया था. पंचम ने कहा था कि तुमको कुछ संगीत समझता है क्या, गाना रोक के बीच में डायलॉग मेरे को नहीं देना म्यूजिक. लेकिन ये तो दोस्तों के बीच में चलता ही रहता है. जैसे संदीप भाई ने कहा कुछ बोलो, अब दोस्ती में बोलना पड़ता है. चलिए तैयार हैं हम, आलोक भाई शुरू करें. बेले नजर आ रही हैं, तेरे बिना जिंदगी
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी हो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जो कह दो तो आज की रात चाँद डूबे जा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चाँद डूबे जा नहीं, रात को रोक लो। आंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, और जैसे कि मैंने बताया कि गुलजार और पंचम के बीच अक्सर झड़प या लड़ाई हो जाती थी कई बातों को लेकर। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि सलीम जावेद एक कहानी लेकर राजेश खन्ना के पास गए और उनसे कहा कि भाई हीरोइन के डबल रोल वाली फिल्म है लेकिन आपका इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये वो दौर था जब काका यानी राजेश खन्ना का सितारा बुलंदी पर था और वो नहीं चाहते थे कि हीरोइन के डबल रोल या हीरोइन के ज़्यादा रोल वाली, उसकी ज़्यादा लीड वाली फिल्म वो करें और उनकी चमक थोड़ी कमज़ोर पड़ जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र इस फिल्म को करने के लिए राज़ी हो गए, और क्यों राज़ी हुए ये बात आप फौरन ही समझ जाएंगे जबकि ये गाना आएगा और आप समझेंगे कि असल में किस हीरोइन की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, आनंद और दर्शना इसे गा रहे हैं। अरे 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 साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हो साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यू ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, हो साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यू ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम
दिल के साथ चल तू, यो ही दिन रात चल तू, सफल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल आप सबका प्यार हमें मिल रहा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है और हमारे साथ साथ कहां पर है, हाँ हमारे साथ साथ सुरीली विरासत क्लब का मैं बहुत बहुत फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा और संदीप कृष्ण जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार भरपूर भरपूर तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच एंड वन मोर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह जिसके बिना प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, ऐसे साउंड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू जैन, रविंद्र जैन और राज कपूर का एक मजेदार किस्सा है। फिल्म दो जासूस बन रही थी, उस दौरान कभी कभी रविंद्र जैन की राज कपूर से मुलाकात हो जाया करती थी और वो कहते थे कि मुझे एक बार मौका दीजिए अपनी किसी फिल्म में म्यूजिक देने का। तो राज कपूर ये कहते थे कि हम प्रतिभाओं के कदरदान हैं, जब आपके लायक कोई काम आएगा तो हम जरूर आपको मौका देंगे। बात आई गई हो गई। एक बार राज कपूर अपने बेटों के साथ दिल्ली में एक शादी में गए। उस शादी के संगीत में रविंद्र जैन एक गीत गा रहे थे, एक राधा एक मीरा। ये खुद रविंद्र जैन का डेवलप किया हुआ गाना था। राज कपूर को यह गाना बड़ा पसंद आया और उन्होंने बड़ी वाहवाह की। अगले दिन राज कपूर किसी और कार्यक्रम में थे, वहां भी रविंद्र जैन थे, वहां भी एक राधा एक मीरा वो गा रहे थे। राज कपूर बड़े खुश हो गए। उन्होंने रणधीर कपूर से कहा कि अभी इन्हें 25,000 रुपए का चेक काट कर दे दो। रविंद्र जैन से राज कपूर ने वो गाना ले लिया। काफी वक्त बीत गया। एक दिन रविंद्र जैन के पास राज कपूर का फोन आया, क्या कर रहे हैं आप, पूना आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। बेचारे रविंद्र जैन भागे भागे राज कपूर के फार्म हाउस में पूना पहुंचे तो देखा कि राज साहब मजे से बैंगन का भरता बना रहे
और उसमें मसाले डाल रहे हैं और घी डाल रहे हैं, और रविंद्र जैन सोच रहे हैं कि यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया है। बैंगन का भरता तैयार हुआ, डाइनिंग टेबल पर एक्टर ओम प्रकाश भी थे, राज कपूर बैठे और रविंद्र जैन बैठे और बहुत सकुचाते हुए बैठे, और उन्होंने राज कपूर से कहा, राज साहब हम जैन हैं, प्याज लहसुन बैंगन ये सब नहीं खाते हैं। तो राज कपूर ने, अगर तुम ये बैंगन का भरता नहीं खाओगे तो मैं मर जाऊंगा। अब ये दुविधा हो गई, रविंद्र जैन ने थोड़ा सा खाया और चुपके से बाकी का ओम प्रकाश जी की तरफ सरका दिया। ओम प्रकाश जी ने खा लिया और इसके बाद मुद्दे की बात आई। उन्होंने कहा कि मैंने एक फिल्म बनाई जिस देश में गंगा बहती है, और अब मैं गंगा के प्रदूषित होने पर काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब गंगा के गौरव पर फिल्म बनाई तो लोगों ने बड़ी शाबाशी दी थी, अब अगर मैं गंगा के प्रदूषित होने पर फिल्म बनाऊंगा तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्राजक्ता और नानू को बुलाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। भाई नानू मुझसे कह रहे हैं कि हम पहाड़ों में ले जाएंगे, चलिए।
दुनिया निकालती है, सुनो जी दुनिया निकालती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से भाई इस गाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि रविंद्र जैन से राज कपूर ने कहा कि मैं गंगा के प्रदूषित होने पर फिल्म बनाना चाहता हूं, तो रविंद्र जैन ने फौरन, क्योंकि वो बात बात पर कविता लिख लेते थे, आशु कवि थे, उन्होंने फौरन एक लाइन कह दी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। दोपहर से बातचीत शुरू हुई, शाम तक फिल्म के सारे गाने तैयार हो गए और फिल्म की कहानी का एक ढांचा भी तैयार हो गया था। तो जरा सोचिए कि बैंगन के भरते से भी फिल्म की कहानी तैयार हो जाती है, ऐसे राज कपूर थे। और इस गाने में नानू और प्राजक्ता ये कह के गए कि प्यार से रास्ता तो क्या उम्र भी कट जाती है, तो ऐसा ही प्यार प्रदर्शित करने के लिए अब प्रियंका आ रही हैं। आइए प्रियंका बसु। इतना खूबसूरत सा माहौल बनाए, इसको ब्रेक लगाने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर ये भी बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे सौंपा गया है। बहुत सारे नामांकित लोग हैं जिनके नाम अभी तक मैंने नहीं लिए हैं। वैसे मैं श्री मुकेश भाई जैन लोटस ग्रुप से हैं, एक बार तालियां हो जाए इन सब के लिए, बिकॉज सबका मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और इन सब ने खुले दिल से सपोर्ट किया है क्लब सुरीली विरासत को। श्री कल्पिन भाई शाह मेघधनुष क्लब, ज़ोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। स्वागत है आप सबका। अमित भाई शाह स्टार क्लब से मौजूद है यहाँ पर। श्री नरेश भाई रंगत कल्चरल ग्रुप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री पटवारी जी एक्स प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपका स्वागत है सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री गीतेश भाई मिस्त्री का जुपिटर ग्रुप के, श्री आशीष भाई सोपारकर मेघबनी ग्रुप के। तालियां हो जाए प्लीज़। आप लोग जितना जल्दी तालियां बजाएंगे हम इतना जल्दी इसको ख़त्म करके मैं विदा लूँगी। श्री दीपक भाई राजानी, उनका बहुत अच्छा काम है न्यूज़ रिपोर्टिंग की दुनिया में। श्री विद्देश त्रिपाठी मुकेश फैंस क्लब, श्री राकेश भाई अदानी शांतिग्राम से यहाँ पर मौजूद है। श्री अनिल भाई शाह नमोकार ग्रुप के, ऑन बिहाफ ऑफ महुड़ी लाकरोड़ा ग्रुप फ्रेंड्स, श्री सत्यनारायण काबरा जी का हम स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप के श्री बंकिम भाई पाठक, जो कि अभी अमेरिका के टूर में हैं, उनकी तरफ से दिलीप भाई बटाकावाला, भरत भाई साबूवाला, मनु भाई शाह, नितिन भाई ठक्कर, उमेश माखीजा एवं दिनेश तुरखिया जी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल भाई, प्रवीण वोरा और पंकज ठक्कर जो कि म्यूजिक लवर्स हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन हुआ है श्री दिनेश तुरखिया जी के लिए, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। और इससे पहले कि मैं यहां से विदा लूं, एक फिर से एक वाहवाह वाला सेशन कर लेते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, हो जाए ये बात है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। और संदीप कृष्ण और इतने प्यारे ग्रुप सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बड़े बड़े तूफान थम जाती है अगर आग लगी हो सीने में। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब जो गाना है, कहते हैं कि इस गाने की रिहर्सल 10 दिन तक चलती रही थी और 9 घंटे इस गाने की रिकॉर्डिंग चली थी। 10 दिन रिहर्सल और 9 घंटे रिकॉर्डिंग में लगे और एक अकेला बंदा 3 बंदों का काम करने के लिए आ रहा है और मुझे मालूम नहीं इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऊपर से आएगा। भाई आ जाओ, किधर से आया? इनके लिए जरा जोरदार अरे भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ सर, है ना। थैंक यू, थैंक यू।
मैंने इनके इनसे बात की थी कि ये गाना आज मैं अकेला गाने वाला हूँ, इसलिए ज़रा ज़ोरदार तालियां और एक बार तालियां बजाना और एक बार। अभी आप पूछोगे दूसरी बार क्यों, तो सेम पेमेंट पे ही गा रहा हूँ मैं तीन आवाज़ें, तो इसलिए ज़रा मेरे लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। मैं कुछ कम आवाज़ में बोला क्या? सेम पेमेंट में गा रहा हूँ मैं तीन आवाज़ें, ज़ोरदार तालियां। तो चलो दोस्तों पड़ोसन के सेट पे चलते हैं, जहाँ पे म्यूजिकल कॉम्पिटिशन आप लोगों ने देखी होगी, भोला सुनील दत्त साहब और मास्टर जी मद्रासी कैरेक्टर महमूद साहब, इन दोनों के बीच में ये म्यूजिकल कॉम्पिटिशन होती है सायरा बानो जी के लिए, और क्या होता है रिजल्ट आपको सबको पता है। तो चलते हैं उस सेट पे जहाँ पे ये कॉम्पिटिशन हुई थी सुनील दत्त साहब और महमूद जी के बीच में, भोला को आवाज़ देते हैं मास्टर जी इस तरह से। यह भोला, क्या बात है, हमारे साउंड इंजीनियर के लिए जरा जोरदार तालियां। ये बोला तुम आना गाना गाना, भोला बोलते नहीं हम गाना तुम घर जाना। ये बोला, ये बोला तुम गाना हम घर जाना, ये बाप का राज समझा हम तुम्हारा ग्वाला बनेगा ग्वाला। संदीप भाई जरा सुर देना। चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मर्द जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, परिसा गगरी सा करे सगजप, पचसर गगजर पपम करे, चतुर नार करके सिंगार। अरे धाम 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 एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हसत जात हम हसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार, तू क्यों गोरी ज्ञान धरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी आपकी तो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये
घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार क्या रे इतना सन्नाटा क्यों है भाई हाँ ये क्या रे ये घोड़ा चतुर ये क्या पैर है ना या घोड़ा बोलना या एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जा अपने ही जान में फंस जा हम मरत जा अरे आइए चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जान मेरे मन के द्वार हम हंसत जा हम फंसत जा हम घुसत जा हम घुसत जा आ रे गा म्यूजिकाना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए सुरीली विरासत के शोज़ के बारे में आपको पता चलता रहेगा और कुछ हिस्से भी जो इससे पहले शो हो चुके हैं उनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो एक तरह से मनोरंजन और जानकारी से भरा हुआ ये एप्लीकेशन है म्यूजिकाना, ये गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है म्यूजिकाना। ये सुरीली विरासत का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो इन्होंने डेवलप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। कई बार ये होता है कि गाने किसी फिल्म के लिए बनते हैं पर हर गाने का अपना एक नसीब होता है, बना किसी फिल्म के लिए और चला किसी फिल्म में गया। फिल्म मिस्टर नटवरलाल के डायरेक्टर राकेश कुमार एक फिल्म बना रहे थे दिल तुझको दिया, इसके गानों की सिटिंग चल रही थी राजेश रोशन के म्यूजिक रूम में और जब उन्होंने अपनी एक ट्यून सुनाई तो राकेश कुमार ने कहा अच्छी नहीं है, मेरे लिए आप कुछ और बनाओ। बाहर भाई साहब बैठे थे, भाई साहब यानी राकेश रोशन, उनके फिल्म की सिटिंग इसके ठीक बाद थी तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राकेश कुमार निकल गए, अब
राकेश रोशन पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये जो तुम ट्यून सुना रहे थे ये जरा मुझे सुनाना। तो कहते यार मूड खराब हो गया है, मत सुनो। वो ट्यून रिजेक्ट कर दिया राकेश कुमार ने। राकेश रोशन ने कहा तुम मुझे ये ट्यून सुनाओ, क्योंकि मैं बाहर से सुन रहा था, ये ट्यून मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जरा सोचिए कि एक राकेश के लिए बनी ट्यून दूसरे राकेश ने ले ली, और अब आनंद और प्राजक्ता उसी ट्यून पर बने गाने को आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं। आइए। हेलो, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, संग प्रीत लगाई सजना 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 ओ रामा, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 ओ रामा, ला 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 तेरे हाथ में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली खटाओ का कजरा लगा दूं, काली लगा दो, एक तू ही मन को है भाई सजना 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 ओ रामा, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 Thank you.
तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 क्या बात है। कामचोर फिल्म का ये गाना था। जरा सोचिए कि राकेश कुमार ने इस गाने को रिजेक्ट करके अपना कितना बड़ा नुकसान किया। इस गाने के साथ आप सभी झूमे। और अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। जगन्नाथ काबरा जी की आज थर्ड डेथ एनिवर्सरी है। श्री जगन्नाथ काबरा की थर्ड डेथ एनिवर्सरी है। हम उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। और अब अगले गाने की दास्तान। संगीतकार रोशन बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। उनके घर में फौजी अनुशासन चलता था। पूरे फैमिली को ये इंस्ट्रक्शन था कि दिन में लोग कहीं भी रहें, डिनर पर टेबल पर सारे लोग एक साथ मौजूद रहेंगे। एक बेटा सीधा साधा था, समय पर घर आ जाता और डिनर टेबल पर बैठा मिलता। उसका नाम था राजेश रोशन, जो आगे चलकर बहुत बड़ा संगीतकार साबित हुआ। अपने पिता की संगीत की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरा जो बेटा था वो थोड़ा बदमाश था। अलग अलग लड़कियों से दोस्ती, दोस्तों के साथ पार्टी, यहां वहां घूमना, मौज मस्ती करना। होता यह था कि टाइम पर लौटने में बड़ी दिक्कत होती थी। भागे भागे आते किसी तरह से पसीने पसीने और डाइनिंग टेबल पर आते तो रोशन आंखें तरेर कर देखते कि ये क्या मचा रखा है। जैसे हर बाप अपने बिगड़े हुए बेटे की तरफ देखता है। किसी तरह से निभा ले जाते थे राकेश रोशन। पर ये दोनों बेटे अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ रहे थे। एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। राजेश को रोशन ने बुलाया और कहा कि देखो, ज्वेल थीफ की पार्टी है, तुम गाड़ी लेकर वहां चले जाओ, मैं एक दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। राजेश रोशन रोशन साहब की सफेद शेवरले गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ देवानंद की ज्वेल थीफ की पार्टी में चले गए। और रोशन साहब चले गए अपने दोस्त मशहूर डायरेक्टर हरी वालिया की पार्टी में, जिन्होंने वल्लाह क्या बात है और कुछ अलग अलग मशहूर फिल्में बनाई हैं। वहां उन्होंने एक ड्रिंक लिया और एक चेयर पर मजे से बैठ गए। उनका एक दोस्त इस पार्टी में आया और उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, अरे रोशन। कोई जवाब नहीं मिला। रोशन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। लोगों को लगा कि उन्होंने शायद ज्यादा ड्रिंक ले लिया है। दोस्त करीब पहुंचा, रोशन साहब को हाथ लगाया तो वो लुढ़क पड़े। एक ड्रिंक लेने के बाद दिल ने काम करना बंद कर दिया और रोशन पार्टी में बैठे बैठे इस दुनिया से कूच कर गए। एक बड़ा संगीतकार बहुत खामोशी से एक पार्टी के दौरान इस दुनिया से चला गया और रह गई उसकी ऐसी मीठी मधुर धुनें जो हमारी जिंदगी को सुरीला बनाती हैं। सुरीली विरासत के इस आर 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 कार्यक्रम की अगली पेशकश है रोशन साहब का एक बेमिसाल गाना। सिर्फ सिग्नेचर म्यूजिक से ही आपका दिल वाह वाह कर उठेगा। आइए प्राजक्ता और नानू गुर्जर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। Thank you.
तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नासिर हुसैन की एक फिल्म के गानों की सिटिंग चल रही थी। एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को मौका दिया था, वो अपनी ट्यून्स लेकर आया था। चूंकि फिल्म के हीरो शमी कपूर थे और वो किसी नए बंदे को लेने के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि इस फिल्म में म्यूजिक शंकर जयकिशन या ओपी नैयर दें, जो नासिर हुसैन की फिल्मों में पहले कमाल कर चुके थे। ये नया लड़का आया और इसने अपनी पहली ट्यून सुनाई। जैसे ही वो ट्यून उसने सुनाई, शमी कपूर फौरन एक नेपाली गाना गाने लगे। ये गाना उन्होंने दार्जिलिंग में एक चाय बागान में एक गोरखा से सुना और सीखा था। फौरन उस लड़के को डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे नेपाली गाना सुना रहे हो, अपना ओरिजिनल गाना लेकर नहीं आए हो। वो लड़का पसीने पसीने हो गया। आगे चलकर उस लड़के ने अपनी दो तीन ओरिजिनल ट्यून सुनाई और उसे फिल्म तीसरी मंजिल के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चुन लिया गया। वो लड़का था एसडी बर्मन का बेटा पंचम, यानी राहुल देव बर्मन। और इसके बाद नासिर हुसैन फिल्म्स में राहुल देव बर्मन की एंट्री हो गई। आगे चलकर राहुल देव बर्मन ने किस किस तरह के कमाल किए उसकी एक मिसाल ये गाना है। और इस गाने को पेश करने के लिए आलोक और दर्शना आ रहे हैं स्टेज पर। We'll be right back.
कर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल क्या बात है, क्या बात है। 1975 में फिल्म जूली आई और राजेश रोशन के नाम का डंका बजने लगा। पूरी इंडस्ट्री के लोग पहचान गए कि म्यूजिक डायरेक्टर रोशन का बेटा आया है और उसने हंगामा मचा दिया है।
देवानंद ने सोचा कि अपनी फिल्मों में इस लड़के को चांस दिया जाए और उन्होंने इस बंदे को चुन लिया अपनी अगली फिल्म के लिए। अब देवानंद की एक फिल्म के गानों की सिटिंग चल रही थी और हुआ ये कि इस सिटिंग के दौरान एक ट्यून राजेश रोशन ने सुनाई, देव साहब ने इस ट्यून को रिजेक्ट कर दिया। अब बड़ा धक्का लगा राजेश रोशन को कि ये क्या हुआ, इतनी अच्छी ट्यून थी। पर इसी ट्यून को आगे चलकर डायरेक्टर राकेश कुमार ने अपनी एक फिल्म के लिए पसंद कर लिया। ये फिल्म थी याराना और जो ट्यून थी वो थी तेरे जैसा यार कहां। जरा सोचिए कि कहां कहां से ट्यून्स का सफर कहां तक पहुंचता है। आगे चलकर यश चोपड़ा ने अपनी कुछ फिल्मों में राजेश रोशन को मौका दिया ऐसी ही एक फिल्म का गाना पेश करने के लिए। प्राजक्ता, नानू और आलोक मंच पर आ रहे हैं। ये काफी
क्या बात है। शानदार गाने के बाद अब म्यूजिशियन से आपका परिचय करा दिया जाए। तबले पर पार्थ त्रिपाठी, कमलेश डाबी बोंगो और तुम्बा पर, दिनेश बैरवा कोंगो और ढोलक, भावेश ठाकर सैंपलर ऑक्टोपैड, ड्रम्स बिपिन सोलंकी,
कई गानों में मैंडोलिन का कमाल, भार्गव रावल का, अपू भाई फ्लूट पर, सितार महमूद खान, सैक्सोफोन संतोष गंधर्व, समीप स्वादिया बेस गिटार, वायलिन सेक्शन लेड बाय रॉबिन भाई एंड टीम फ्रॉम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वायलिनिस्ट, कीबोर्ड वन स्मिथ सोलंकी, कीबोर्ड टू फ्रैंकी क्रिश्चियन, संदीप क्रिश्चियन, सुरीली विरासत। कोरस से आपका परिचय करवा दिया जाए। कोरस में हमारे साथ श्रद्धा जोशी, सोनल टेलर, भावेश चावड़ा और निकी सोलंकी, और इसके अलावा कुछ और लोगों का परिचय कराना जरूरी है। वीडियो फोटो एलईडी महावीर विजन विश्व शाह, लाइट्स उर्वीश जलगांवकर, सेट्स जॉन्टी और साउंड हितेश भावसार और इनकी टीम, और अब आनंद और आलोक आ रहे हैं, आनंद देने के लिए और आलोक बिखेरने के लिए। आइए, एक के साथ एक फ्री वाला जमाना है तो नानू को भी बुला लेते हैं। आजकल बहुत सारे मॉनसून ऑफर्स चल रहे हैं। जब तक ये गाना शुरू हो रहा है, एक दिलचस्प बात बताते हैं। प्रोड्यूसर आ रहा प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी का घर था जिसमें वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और आगे चलकर अमिताभ बच्चन ने वो घर उनसे खरीद लिया। बाद में अमिताभ बच्चन ने वो घर बेच दिया, उसके बाद उन्होंने फिर से खरीद लिया, और अब वो घर है जिसका नाम पहले मनसा था, अब उसका नाम जलसा है, जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं। और ये जो गाना है, ये जो फिल्म है, जिस फिल्म का ये गाना है, इसकी शूटिंग इसी घर में हुई थी, और उस घर में उनका जलसा है। जलसा है, यस। और इसके अलावा इस घर में और भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई थी, जैसे आनंद, नमक हराम, चुपके चुपके वगैरह। और ये जो गाना अभी होने वाला है, इसमें एक पार्ट है। आप में से कितने लोग शक्ति कपूर हैं? कोई बोलेगा नहीं फिर। लेकिन उनका एक पार्ट है, हाँ। छोटा सा, जिसको आउ नहीं बोलना है आपको, हाय बोलना, हाय हाय बोलना है। जो होगा वो अंदर से एक रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल हाय हाय, एक साथ एकदम मजा आएगा। हाय बोले हाय हाय और जोर से, बात है जोर से, के दिल करे हाय। बस बस हो जाएगा, हो जाएगा, रिहर्सल हो गए, रिहर्सल। संदीप भाई शुरू करते हैं, हो जाएगा हाय हाय। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना। प्यार में जब भी कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। वो जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया,
बत्तियां बुझा दो संदीप भाई, बत्ती तो बुझा दो, कोई कुछ नहीं करेगा। पर बत्तियां बुझा दो नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाले जाने कब आएगी। शोर मचाओ वरना बाबी, बाबी का नाम लिया तो सबको शोर न मचाओ वरना जाग गई ना, भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए वो ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए प्यार हमें इस मोड़ पर ले आया, अब इंटरमिशन होगा, बहुत जल्दी मुलाकात होती है।
प्लीज सिंगर माइक ऑन कर दीजिए, सिंगर माइक ऑन कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि अपनी सीट्स ले लें, हम फौरन शुरू करने जा रहे हैं और अभी सेकेंड हाफ में एक से बढ़कर एक गाने आने वाले हैं आर 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 के, यानी राजेश रोशन, रोशन रविंद्र जैन और आर डी बर्मन, सुरीली विरासत की पेशकश। ये वो लोग हैं जिनका सपोर्ट मिलता रहा है। और अब म्यूजिक आना, मोबाइल एप्लीकेशन की बात, गूगल प्ले पर ये मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और सुरीली विरासत के वीडियोस, पुराने कार्यक्रमों के और अगले कार्यक्रमों की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मैंने तो ये डाउनलोड कर लिया है, क्या आपने किया है? गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। और ये कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड, जो भी सुरीली विरासत का सदस्य बनता है उसे इस तरह का एक्सक्लूसिव कार्ड
मिलता है मेंबरशिप का। अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार मेंबरशिप का कार्ड लॉन्च किया गया है। सुरीली विरासत का ये मेंबरशिप कार्ड हम नमन करते हैं जगन्नाथ काबरा जी को। आज उनकी तीसरी डेथ एनिवर्सरी है। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया और मैं एक ऐसे गायक की दास्तान आपको सुना रहा हूं जो बहुत तेजी से उभरा और बहुत तेजी से गायब भी हो गया। इस गायक का नाम है जसपाल सिंह। अमृतसर के रहने वाले थे, पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की दीवानगी उन्हें म्यूज़िक की दुनिया में ले आई और 1968 में उन्होंने ये सोचा कि अब म्यूज़िक की दुनिया में ही कुछ करने के लिए बम्बई चला जाए। उनकी बहन की शादी बम्बई में हुई थी तो वो बम्बई आ गए और यहाँ स्ट्रगल करने लगे। चूंकि वकालत की पढ़ाई की हुई थी तो उन्होंने सोचा कि यहाँ अपना गुजारा करने के लिए वकालत भी करते रहते हैं। तो जसपाल सिंह जी ने एक तरफ वकील का काम किया और दूसरी तरफ म्यूजिक के लिए स्ट्रगल करते रहे। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की एक फिल्म के लिए रविंद्र जैन ने यह तय किया कि टाइटल सॉन्ग जसपाल सिंह को दिया जाए। तो राजकुमार बड़जात्या जी ने कहा यह बहुत बड़ी रिस्क होगी, इतनी बड़ी फिल्म है हमारे हिसाब से, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के हिसाब से, और इतना प्रतिष्ठित गाना नए गायक को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन रविंद्र जैन ने यह रिस्क लिया और उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बना जिसका एक दूसरा गाना प्रजक्ता और नानू पेश कर रहे हैं। आइए प्रजक्ता और नानू। आप समझ जाएंगे कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही यह गाना पेश किया जाएगा आप फिल्म पहचान लेंगे। बजने से काम सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का भेषाम वो तो मीरा का भेषाम राधा का भेषाम वो तो मीरा का भेषाम Thank you.
को बजने से काम सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम राधा गीत गाता चल फिल्म की बात हम कर रहे थे। जसपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जिनको इस गाने के जरिए मौका दिया गया था और इसके बाद वो फिल्म आकाश पर एक गायक के तौर पर छा भी गए और बहुत जल्दी फिर उनका सितारा खत्म भी हो गया। प्रियंका प्रियंका प्लीज आइए और आपको जो काम सौंपा गया है उसे आगे निभाइए। खत्म हो गया, ठीक है। रोशन साहब जब दुनिया से चले गए तो उनके बेटों को पर्याप्त स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि पिताजी असमय चले गए थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट बन गए राजेश रोशन। अब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उन्हें मौका मिल सके। महमूद एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने सोचा कि पंचम को उसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लिया जाए क्योंकि पंचम से उनकी दोस्ती भी थी और पंचम को पहला मौका भी उन्होंने दिया था अपनी फिल्म के जरिए। तो उसी दौरान महमूद के भाई अनवर अली ने यह कहा कि नहीं भाई, पंचम को रहने दो, वो तो एस्टेब्लिश हो चुका है, ये नया लड़का है राजेश जो रोशन साहब का लड़का है उसको मौका दो। बहुत घबराए हुए थे राजेश, उन्होंने एक मन्नत मांगी कि जब तक इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर वो चुन नहीं लिए जाएंगे, वो अपने बाल मुंडवा ले चुके थे, अपने बाल बढ़ाएंगे नहीं, वो गंजे हो गए और इंतज़ार किया। महमूद अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सके और उन्होंने इस फिल्म में राजेश रोशन को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर लॉन्च किया। ये गाना सुनिए जिसकी ट्यून सुनते ही महमूद रो पड़े थे कि क्या ट्यून बनाई है। जन
मेरा तो ये जीवन तमाम So much. कुंवरा बाप फिल्म का ये बेमिसाल गाना था और ये कमाल
राजेश रोशन का था। अब हम रोशन के कमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। रोशन ने बहुत नाजुक तरीन गाने तो दिए ही हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो शास्त्रीय संगीत की थी। रोशन के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भातखंडे कॉलेज लखनऊ से उन्होंने संगीत की तालीम ली थी और वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में 1940 से 1948 तक इसराज बजाया करते थे। नानू भाई आ जाइए आप अगले गाने के लिए। तो मैं कह रहा था कि इसराज वो बजाया करते थे और अलाउद्दीन खान साहब से उन्होंने सरोद की ट्रेनिंग ली थी। इतना शास्त्रीय व्यक्ति, राग यमन उनका बहुत पसंदीदा राग था, लेकिन ये गाना राग भैरवी पर आधारित बेमिसाल गाना है और इस गाने का तराना सभी को झुमा कर रख देता है, सभी के दिलों में तरंगे पैदा कर देता है। नानू तैयार हैं इस गाने की पेशकश के लिए। ये जो गाना है राग भैरवी में है, तो क्यों ना एक राग भैरवी का थोड़ा सा आलाप हो जाए, थोड़ा माहौल बन जाए। थोड़ा मॉनिटर ये दीजिए ना प्लीज, बिल्कुल कम है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरे बदर सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदर सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजर
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग। दिम तन न दर्द तन तन न देर न दिम तन न दर्द तन दोम त देर न दिम तन न दर्द तन दोम त देर न दिम न देर देर तन दर तन तुंद्र प्रतार तार तन दिम तन न न न दर्द 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 तानी 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 दिम तन न दर्द तन तन न देर न दिम तन न दर्द तन दोम त देर न सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजे दिन तन तन नित दिन तप कम मग मधर दम मगर सा दादा करता दादा करता चरण धरण धरत पाग परत नहीं परन झांझर झन के झन न न न न न नदर दर्दीम तनो न न न न तन तन नदिम तन न दर्द तन तन नदर नदिम तन न दर्द तन नोम तदर नदिम तन न दर्द क्या बात, क्या बात है, जिगर का काम है ऐसे मुश्किल गानों को गाना और इन गानों में साजों को निभाना। 15 अगस्त 1975 के दिन एक फिल्म रिलीज हुई जिसने देश के सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सका। और इस फिल्म का वो गाना पेश करने के लिए प्राजक्ता आ रही हैं जो विलेन के अड्डे पर होता है। Thank you.
शोले फिल्म का ये गाना प्राजक्ता ने पेश किया। और पंचम से अब हम राजेश रोशन की तरफ चलते हैं। वो राजेश रोशन जिन्होंने अपने भाई के लिए अपना सबसे स्पेशल म्यूजिक दिया है, और ये एक ऐसा गाना है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बहुत सारे लोगों के लिए, ख़ासतौर पर नई पीढ़ी के लोगों के लिए। इसे आलोक और दर्शना पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी 4-5 गाने और बाकी हैं और हम सारे गाने करेंगे। चाहे दर्शना कुछ भी बोले, आपको कहीं नहीं जाना है। La 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 la
जीवन को रंगी करेंगे, ख्वाबों में तुझको भरेंगे, कल तक सभी जी सकेंगे। बोले के तेरे रब की लाली जीवन को रंगी करेंगे, ख्वाबों में तुझको भरेंगे, कल तक सभी जी सकेंगे। खुद को संभाल रख ले, मुझको संभाल दीजिए, होश में अपने खो दो, इतना प्यार दीजिए। प्यार है दीवानापन, होश का काम नहीं, चाहती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी मैं, प्यार करने लगी खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करो। चाहती हूँ मैं ना, 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 एक दिन रविंद्र जैन ने किशोर कुमार को फोन किया और कहा कि मैंने एक बांग्ला शैली का बेमिसाल गाना आपके लिए तैयार किया है और आपको सुनकर बहुत मजा आ जाएगा। किशोर कुमार ने कहा कि गाना सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये गाना गा रहा हूं। जिस दिन की रिकॉर्डिंग तय हुई उस दिन सुबह 9:30 बजे किशोर कुमार स्टूडियो में पहुंच गए और उन्होंने उस दिन की अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल कर दी। तो किशोर कुमार का वो गाना चोर मचाए शोर फिल्म से बना था, लेकिन हम उस गाने को यहां स्किप कर रहे हैं और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। मेरा
सुरीली विरासत की पेशकश आर 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 यानी रोशंस रविंद्र जैन और आर डी बर्मन के आखिरी चरण पर हम पहुंच गए हैं। आप पाएंगे कि ये चार म्यूजिक डायरेक्टर अपने आप में बिल्कुल अलग होते हुए भी इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी मेलेडी, इनके गानों की मिठास। इसीलिए इनके गाने दूर तक और देर तक हमारे साथ चलते हैं। आपने ये देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह के, बहुत अलग अलग युग के गाने होते हुए भी इन गानों को आपने साथ में गुनगुनाया। इन गानों ने आपको थिरकने पर मजबूर कर दिया, यही इस शाम की कामयाबी है। मारू बिहाग पर आधारित ये गाना कार्यक्रम का आखिरी गाना था। हमें उम्मीद है कि ये शाम आपके दिलों में लंबे समय तक गूंजती रहेगी और एक सुरीली विरासत बनकर आपकी यादों में हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट यूनुस खान और पूरी सुरीली विरासत की टीम की तरफ से।